व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। आज हम देखने वाले हैं मीमापुर चैनल से मीम्स, मजेदार मीम्स होने वाले हैं। हमेशा इनका जो कलेक्शन रहता है बहुत ही गजब रहता है। तो फेवरेट मीम कर दें कमेंट, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। फिर ले दे के बात 2 लाख पे खत्म हुई। मेरे को 2 लाख रुपए दे दो प्लीज। 2 लाख? अभी तो तूने सिर्फ 1 लाख मांगा था। 1 लाख तो डाउन ले जाएगा, मेरे को क्या बचेगा बीच में से? बात तो सही है, मेरे को भी तो थोड़ा बचाना कि नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम करो अंदर आओ। ए, मेरे पास पहले लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा, तेरे से 500 कहां से दूंगा मैं? तो कैसे हो मीमापुर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा हर वीडियो एंटरटेनमेंट यानी कि आप लोगों को बस हंसाने के लिए होता है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, सिर्फ मजे लो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हेडफोन लगा लो, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पतली ऊपर स्ट्रांग हुई, बहुत स्ट्रांग है, आइए देखते अच्छा। बहुत चल लिया, आप थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। हेलो भैया। हाँ भैया, एक गिलास जूस लगा देना। छोटा बड़ा? बड़ा बड़ा। ओ भाई भाई। हाँ। यार ये तो मीडियम है भाई, यही है मेरे पास। भाई मेरे को तो बड़ा ही चाहिए। इनका बड़ा है फिर। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इनसे बोला पापा अच्छा कंप्यूटर ले तो मैं कुछ पढ़ाई लिखाई कर लूंगा, कह रहे नहीं नहीं नहीं। मैंने क्यों? कह रहे उसमें तो तुम गंदी गंदी चीजें देखोगे ना। मैंने कहा आपके 4 बच्चे, आप गंदी हरकतें कर रहे हो, हम देखे भी ना। एक्सक्यूज मी सर, कहिए क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? लड़का है लड़की आज 100%? जी हाँ सर। टीचर, क्या मैं आज की क्लास रिकॉर्ड कर सकता हूँ? आपकी आवाज बहुत सुरीली है ना। मैं घर जाने के बाद आपकी क्लास बार बार सुनूंगा। शाबाश बेटा, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जरा दुनिया का 12 o'clock midnight। कुछ दिनों से ठीक से नींद नहीं आ रही है। ए मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। ए मम्मी, जिराफ सबसे लंबा जानवर होता है, इतना लंबा ये बोर लेक्चर सुना के पूरे क्लास को सुला देती है, आपको भी सुला देगी। oh हे गाइस, चैनल टू माय वेलकम, चैनल टू माय गाइस, गाइस टू माय वेलकम, गाइस सरप्राइज, लाइक कमेंट शेयर, सरप्राइज फॉलो गाइस, सरप्राइज चैनल को घंटी सिलेंडर कर दो गाइस, घंटी ला देना। क्या है? मेरी जवानी भी क्या जवानी है, और जैसे दिल्ली और राजधानी है, अरे तुम जैसे 1000 डूब गए पर आज तक पता लगाना पाए कि उसमें कितना गहरा पानी। आपकी जवानी वो रोड है, आपकी जवानी वो रोड है, कितनी गाड़ियां कड़ गई, गहराई तो उतनी रही लेकिन चौड़ाई बढ़ गई। क्या हिम्मत वाला काम किया? मैंने सारे ट्राई किए। क्या किए? सारे ट्राई किए। मैंने तो वो वर्ड ट्राई किए जिनका तो तुमने आई थिंक वकार नाम भी नहीं सुना होगा। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुमने तो सिगरेट को भी कभी हाथ नहीं लगाया होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं है। कितने पुशअप्स लगाते हैं? चैलेंज आपने मुझे देने हैं। 10 पुशअप्स लगाओगे, अगर 10 नहीं लगाया तो यहीं से रिजेक्ट होके वापस। ये लगा देगी। ये तो था वार्म अप, अब आपने 10 और करने। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ज्यादा बेइज्जती हो रही है या अच्छा नहीं लग रहा? चली जाना। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि 10 और कर दे।
सर कई लोगों से मैंने पूछा इस इंटरव्यू से पहले, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली, मैंने पूछा कि आपके साथ बैठ रहा हूँ तो एक सवाल ये भी आया है कि अपना दिमाग तेज कैसे करें। पेरेंट्स कहते हैं कि बादाम खाइए और मैं बादाम भिगोना ही भूल जाता हूँ। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। ये है सही रूल, तो ये याद रखो। किन हम आपको ऐसी शादी के बारे में बता रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें मंगनी समारोह की हैं और मंगनी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक पालतू डॉग की है। दरअसल सागर जिले के बिलहरा में कुत्ते को एक कुतिया से इश्क हो गया और वो मालिक का घर छोड़कर दूसरे मोहल्ले में रहने लगा। जब इस बात की जानकारी मालिक को लगी तो वो कुतिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया, जहां दोनों के मालिकों ने बैठकर आपस में शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब एग्जाम ठीक गया, खुशी में आइसक्रीम खा रहे हो? हाँ, खुशी में। क्या एग्जाम? बहुत बम्पर गया, 99+। बम्पर? हाँ। क्या करना है, अब क्या प्लान है? भाई जादव जी हैं, दूध बेचेंगे, आगे करेंगे। जोकर है ना, फर्स्ट टाइम नाम क्या है? जोकर। गोला में नहीं रहना, जा रहा भाई। ऐसे मौसम में राइड करने का मजा ही अलग है यार। सही है, समझ गया। क्या हो गया भैया, क्या दिक्कत है भाई? ये कौन सी गाड़ी है भैया? ये स्प्लेंडर है। कितने का एवरेज दे दिया? कुछ नहीं, बस 70-75 का एवरेज दे दे भाई। मैं तो बहुत बढ़िया रहा है। और क्या, स्प्लेंडर की आवाज भी बहुत अच्छी दिखाए। ये देखो, अरे बाबा मजा आया ना स्प्लेंडर। ये सब बेचो बाचो, स्प्लेंडर लो, खुश रहो। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, स्प्लेंडर दिख रही है। साला 5 लाख रुपया पहले के पीछे स्प्लेंडर चलाए। अच्छा ठीक है, उसको हटा दिया भाई। तो हमारे यहाँ तो हम सब ने ये मंगाया वो मंगाया और एक लास्ट में, मतलब इतनी सारी चीजों के साथ एक हमने एडिशन किया, एक मैंगो स्मूदी और कोई स्मूदी थी। तो मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि मतलब कुछ तो खा लो, नहीं मैंने बोला स्मूदी तक तुमने रिफ्यूज कर दी। मतलब इतनी स्ट्रिक्ट डाइट है। मैंने कहा स्मूदी में क्या है यार, स्मूदी की बात करियो, इन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करते थी, तू करेगी? करेगी जो? हाँ 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 करूँगी मैं, तुम्हें क्या? 12 बच्चे पैदा करेगी तू? हाँ। वो साले तेरे हलवाई से भटूरा तो फूलता नहीं तेरा। मैम आप अपना ना लहंगा पकड़ के इसमें चलते हुए आइए। ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, देखना। मैं चलूंगी कैसे? नहीं नहीं आराम से चलोगे, देखो ये पकड़ो, ऐसे चलते हुए ऐसे करके आना। भैया भैया आपने मेरे लिए अब्रॉड से क्या लाया? चॉकलेट्स। थैंक यू। 1 year later। भैया इस बार क्या लाए हो? iPhone. 5 years later. भैया मैं ना अभी बड़ा हो गया हूँ, मेरे को कुछ तो ऐसा बड़ा गिफ्ट चाहिए। ये iPhone चॉकलेट मेरे को नहीं जमता, बड़ा गिफ्ट दो मेरे को। Okay. बाबा खुश हो सकती रशियन अनली रशियन इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। भाई साहब ये लास्ट वाला भी बढ़िया था, एक वो लहंगे वाला भी सही था। हाँ। अगर मैं बताता हूँ चल के, भाई साहब नाली में जो नाला हुआ है ना उसके साथ। हाँ। वो सलमान खान वाला तो हमने देखा हुआ। हाँ। एक वो क्या कह रहा, भटूरा उससे फूलता नहीं। भाई से भटूरा तो फूलता नहीं। एक वो बढ़िया कपिल का एक और वो था ना, एक क्या 1000 नहीं दे तेरे 500 कहाँ से वो पांच। एक वो भाई साहब 5 लाख की बाइक लिया और स्प्लेंडर बता रहा है। स्प्लेंडर बढ़िया है ना, सब बेचो। क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं हम किसी को, है क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो उस भाई का था। क्या कह रहा कि बम्पर पेपर गया 99+ आएंगे। 99+ भाई फिर तो 100 ही हो गए। और क्या करोगे उसके बाद,
भाई साहब गाय का दूध बेचेंगे अभी ड्राइवर का जब एक वो ऑस्टिन जोकर भी होता है भाई मतलब क्यों उसके मुझे तो इसके बाद तो लड़कियां भी कितनी कोलैब करती हैं भाई साहब जिंदगी हो तो कंटेंट वाइज उसी की है भाई की तो वो अच्छा था मैम आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं रिकॉर्ड करके ले जाऊं हां अपनी मां को सुना रहा है कह रहा इतना बोरिंग लेक्चर होता है क्लास में सो जाते हैं तुझे सो जाते हैं भाई साहब वो मैंने बचपन में देखा उसको मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सा शो है जैसे शिनचैन हिट होता है ना वैसे वो बहुत हिट है उसकी डबिंग बड़ी मस्त कर रही है एक वो वकार जगह का शो में तो रोस्ट ही रोस्ट होता है भैया वो हां व्लॉगिंग का नया स्टाइल मिल गया जो बाइक चला रहा था वो बंदा सरप्राइज कर देना ये कर देना हेलो गाइस बाकी आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब फिर कमेंट करके बता देना बाय टेक केयर।